हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके मेरी चैनल में। देखिए मेरे गार्डन में कितने प्यारे फ्लावर खिले हैं, तो मैं अपना गार्डन आज दिखाऊंगी और कुछ प्लांट की मैंने जो प्रूनिंग की थी उसकी भी अपडेट दिखाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्यारे छोटे छोटे फ्लावर खिले हैं, देखिए कितने प्यारे हैं, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये मेरा रेड हिबिस्कस वो भी खिला है। ये मेरे मोगरे के प्लांट में भी कलियाँ आने लगी है और क्रोशेंड्रा में भी देखिए कितने प्यारे फ्लावर आने लगे हैं और मोगरे की ग्रोथ भी अच्छी होने लगी है और सब में नई नई कलियाँ बन रही है। और ये फेलेंचू मेरा, और ये गजनिया, और ये डेंथस, और ये विंका में भी फ्लावरिंग रोज़ रोज़ होने लगी है, वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। और ये सब कटिंग कर दी थी मैंने गुलदाउदी की। और यहाँ पर ये मेरे कश्मीरी गुलाब है, दो प्लांट यहाँ पर रखे हैं, उसमें भी नए नए पत्ते आने लगे हैं। सब प्लांट एक एक करके आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए मेरे कश्मीरी गुलाब है, उसमें भी नए नए पत्ते निकलने लगे। मैंने सबको कट कर दिया था ऊपर से, तो उसमें नई नई ब्रांचें देखिए आने लगी है। और ये इंग्लिश गुलाब का है, उसको भी मैंने देखिए यहाँ से कट कर दिया था, यहाँ से तो नीचे से नई नई ब्रांचें अब निकलेगी। और इसको भी मैंने इंग्लिश, ये देसी गुलाब का है देखिए, ये इसको भी मैंने कट कर दिया था, देखिए यहाँ से कट कर दिया था, तो यहाँ पर नई नई ब्रांचेस सब नीचे निकलने लगी है। देखिए ये भी नई ब्रांच निकली है, देखिए ये, देखिए ये सब नई ब्रांचें हैं। और यहाँ पर देखिए सबको कट कर दिया था और नए नए पत्ते निकलने लगे हैं। इसको भी कट कर दिया था, ये भी नई सूट निकली यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर भी नीचे से देखिए ये कली निकली, ये कश्मीरी गुलाब है और इसमें सब नई ग्रोथ हुई है। देखिए ये भी, ये सब, और ये भी मेरा इंग्लिश गुलाब का है, तो इसको भी मैंने कट कर दिया। देखिए यहाँ से तो नई, ये भी सब में नई नई ब्रांच निकल रही है। मेरा लेंटेना का है, इसमें अभी फ्लावर नहीं है पर ग्रोथ अच्छी हो रही है लेंटेना ने भी। और इस तरह सब हमारे देखिए सदाबहार की फ्लावर भी कितने प्यारे खिले हैं पोट में। देखिए यहाँ पर तो सनलाइट फुल आती है इस तरफ, ये पोट सब यहाँ पर रख दिए थे मैंने, तो ये भी अच्छे चलने लगे हैं। और इसमें वाइन वगैरह सब है, डिस्कस तो है। देखिए सबको मैंने प्रून कर दिया था तो सब में नई नई ग्रोथ आने, देखिए यहाँ से ये भी सब यहाँ से कट कर दिए थे सब, देखिए सब में नए नए पत्ते आ गए हैं। और ये कली, अब कली भी आ गई है और इसको भी मैंने कट कर दिया था, देखिए पूरा कट कर दिया था, तो सब में नए नए पत्ते आ गए हैं यहाँ पर, ये भी और ये कल भी कट कर दिया था सब। और इसमें भी नई ग्रोथ होने लगी है। और ये भी मेरा डबल पेटल्स वाला है, हाइबिस्कस का हाइब्रिड वाला, तो इसमें भी कल आने लगी है। और ये मैंने खाद में सिर्फ कंपोस्ट भी दिया है और थोड़ा सा काउडंग लिक्विड सब में देती हूँ वीकली वीकली बस, और कुछ नहीं। देखिए ये सब में अभी इसका सुनिए, मैंने ये भी यहाँ से कट कर दिया था, यहाँ से कट कर दिया, तो इसमें भी नई नई ग्रोथ होने लगी है, नए नए पत्ते निकलने लगे हैं। ये हाइब्रिड हाइबिस्कस है, ये मेरा रेड वाला डबल पेटल्स वाला, इसको भी मैंने कट कर दिया था, तो ये भी नए पत्ते। और ये गुलदाउदी में भी अब फिर से कलियाँ बनने लगी है, सब ऊपर से कट कर दिया था, उसको भी सब ने कटिंग कर दी थी। और ये मेरा देसी गुलाब है, उसमें भी नई नई ग्रोथ होने लगी है। और फ्रेंड्स मेरे वेजिटेबल के प्लांट भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। देखिए ये ब्रिंजल का है, तो इस पर भी ग्रोथ होने लगी है। और ये टमाटर का है, तो देखिए इसमें भी ये टमाटर आया है, ये देखिए ये, और दूसरा टमाटर देखिए यहाँ पर है, ये भी इसमें भी टमाटर आया, बहुत अच्छे लगने लगे हैं। और एक तो पक गया था तो उसको मैंने काट लिया है, तो वो भी आपको मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगी। तो अपने गार्डन में एक टमाटर भी, एक वेजिटेबल भी आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। मैंने फर्स्ट बार ये वेजिटेबल के प्लांट ग्रो किए हैं, तो बहुत खुशी हो रही है फ्रेंड्स अपने गार्डन में ये वेजिटेबल देखकर। और ये भिंडी का है देखिए, तो इसमें भी भिंडी में भी दो भिंडियाँ लग गई, देखिए ये, देखिए यहाँ पर। और ये सब मैंने वेजिटेबल के ही ग्रो किए हैं सीड से, ये मूली के हैं और ये कैरेट है। और ये मेरे शिमला मिर्च की मैंने वो सीड डाले थी, तो उसमें भी ये सब सीड ग्रो होने लगे हैं। और इस तरफ ये
मॉर्निंग ग्लोरी का एक सीड डाला था तो वो भी होने लगा। ये 4 o'clock के सीड ये कटिंग से लगाए, ये भी, और ये भी थोड़े थोड़े सीड में लगाए थे सब वेजिटेबल के और वो समर फ्लावर के, तो वो भी वो ग्रो हो गए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है हमारे गार्डन में सब फिर से फ्लावर, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। वीडियो में तो थोड़े डल लग रहे हैं पर रियल में तो इतने प्यारे लग रहे हैं, डार्क पर्पल कलर के और पिंक कलर, बहुत ही प्यारा कलर लग रहा है। तो बंच में ये खिल रहे हैं और इसके सीड भी मैंने डाले हैं, तो हमारे गार्डन में दूसरे प्लांट तैयार हो जाएंगे। और ये मैंने गुलदाउदी के प्लांट सब पीछे रख दिए हैं, यहाँ पर थोड़े शेड में रख दिए हैं, बहुत धूप में नहीं रखे हैं। और फ्रेंड्स ये सीडलिंग थी ना वो 4 o'clock की, ये सब मैंने बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर दी है, तो उसमें भी सब ग्रोथ होने लगे, देखिए बड़े बड़े हो गए ये। और इसमें इसको मैंने अब धूप में रख दिया है। और इसके बाजू में मैंने देखिए ये भी वेजिटेबल का ही है, वो फली आती है ना बीन्स, बीन्स कहते हैं ना जिसको हम गुजराती में वालोर बोलते हैं उसको, तो वालोर की ये बेल है। तो इसमें भी देखिए फ्लावर आने लगे, कितने प्यारे फ्लावर है, देखिए ये फ्लावर कितने प्यारे हैं। तो इसको मैंने ग्रो बैग में ये ट्रांसप्लांट कर दिया है। और ये मेरा बटन गुलाब का प्लांट है, उसको भी मैंने रिपोर्ट कर दिया है और 2 दिन से मैंने यहाँ शेड में रखा है, फिर इसको मैं धूप में रख दूँगी। और ये मैं नर्सरी से लाई थी फ्रेंड्स, ये अभी मैंने इसे इसको रिपोर्ट किया है। ये 2 प्लांट ये रात रानी के है और एक ये हाइबिस्कस का है, तो एक पॉट में तीनों को मैंने लगा दिया है। तो देखते हैं इसकी ग्रोथ बहुत से चलने लगेंगे, बड़े पॉट में है तो बहुत बड़ा प्लांट होगा और फ्लावर भी अच्छे आएंगे। उसमें मिट्टी में सब में मैंने कंपोस्ट वो सब खाद मिलाकर तैयार कर दी है, तो इसको हम 1 month के लिए कुछ देंगे नहीं, अभी सिर्फ पानी पिलाएंगे और 3-4 दिन में इसको शेड में रखूँगी। और देखिए कल भी मैंने थोड़ी थोड़ी सीडलिंग थी ना वो सब ट्रांसप्लांट कर दिए। ये है बालसम के 2 सीड लगाए थे, तो उसमें भी ये उसको छोटे पॉट में मैंने रख का ट्रांसप्लांट कर दिया है। ये मूली के है, उसको भी मैंने इसमें रख दिया है। ये 4 o'clock है और यहाँ पर ये ककुम्बर है, ककड़ी कहते ना, उसके सीड लगाए हैं, देखिए उसमें भी ये सीड तैयार हो गए हैं। और वहाँ पर ये मॉर्निंग ग्लोरी के है, उसको मैंने बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर दिया है मॉर्निंग ग्लोरी के। देखिए ये सब शेड में रखे इसलिए ऐसे लग रहे हैं आपको, अभी मैंने धूप में नहीं रखे। और यहाँ पर ये लेमन के सीड है, उसको भी मैंने अलग अलग कर दिया है। तो देखिए तो फ्रेंड्स ऐसे हमारे काम चलता रहता है। और देखिए एक प्लांट मोगरा का मैंने यहाँ रखा है, हमारे उस पर ऊपर टेरेस आ जाता है ये सीढ़ी है, वहाँ पर मैंने रखा है, तो यहाँ धूप बहुत अच्छी आती है, तो इसमें देखिए कली बन गई है मोगरे में भी। और दूसरे सब प्लांट यहाँ रख दिए, फर्स्ट प्लांट है ना सब यहाँ पर है मेरे। और देखिए ये भी मेरा ये अपने आप ही ग्रो है सीड से, ये मेरी गोल्ड का कितना प्यारा फ्लावर है, देखिए ये भी ग्रो है। और ये एक वेजिटेबल की ही फली का है वो वालों की, तो ये भी अच्छा चलने लगा है। और ये सब ब्रिंजल के हैं यहाँ पर देखिए, और ये भिंडी का है, ये भी अच्छे चल रहे हैं। और यहाँ पर ये मेरी आलामंडा की बेल है, ये ऊपर मैंने लगाई, देखिए ऐसे कि आलामंडा की बेल है, उसमें भी ग्रोथ होने लगे, नई नई देखिए नए नए पत्ते यहाँ पर सब जगह। और कलियाँ भी देखिए बन गई यहाँ पर, देखिए ये कली बन गई है, ऊपर अपने आप ही चढ़ने लगी है ये, तो बहुत अच्छी सब प्लांट बहुत ही अच्छे चल रहे हैं सब प्लांट। और ये देखिए यहाँ पर मिर्ची शिमला मिर्च के सीड डाले थे, तो वो भी ये 2 ग्रो हो गए हैं अभी यहाँ पर ये शिमला मिर्च के। और देखिए फ्रेंड्स ये वैजयंती माला का प्लांट है मेरा, तो उसको मैंने पूरा कट कर दिया था, देखिए यहाँ से ये देखिए ये सूखा यहाँ से कट कर दिया था, तो दूसरी ब्रांच यहाँ पर निकली है और उसमें से ये नई ब्रांच में नए नए पत्ते आ गए। और यहाँ पर देखिए अपने आप ऐसे ये सीड ग्रो हो गया है, देखिए ये वाला है ना, देखिए ये इसका सीड है, देखिए ये अपने आप ही ग्रो हुआ है। तो वैजयंती माला का प्लांट भी इस वक्त अच्छा चल रहा है मेरा, और थोड़े दिन में ही इसमें भी सीड बनने लगेंगे, तो वो आपके साथ में शेयर करूँगी। और इस तरफ का पार्ट मैंने कभी आपके साथ शेयर नहीं किया है, तो इस तरफ मैंने यह मेरे मनी प्लांट की बेल रखी है,
देखिए इस तरह बहुत ही बड़ी हो गई, देखिए बहुत ही घनी हो, बहुत ही ज़्यादा बुशी हो गया है प्लांट, मनी प्लांट का। इस तरफ मैंने प्लांट है, इस तरफ मैंने अपने ये कोलियस है, इसमें भी दो कलर है। एक छोटी सी स्क्वायर आती है ना वो थर्मोकोल की सीट, देखिए इसमें इसमें लगाई है, ये देखिए इसमें है, तो इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही। और ये मेरा पान का है, पान हो ना पान पत्ता, वो उसका प्लांट है ये। और ये मेरी गोल्ड की सीडलिंग की थी वो ये है। इसी सुंदर फूलों के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड।